तो दोस्तों अब यहाँ पर सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए एक पीएलआई स्कीम को नोटिफाई करने का सोच रही है। एंड नाउ अब ये जो पीएलआई स्कीम होगी तो मोस्टली ये ऑटो कंपोनेंट्स, जो कि आज के समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आप देख लो जो भी ऑटो पार्ट्स है मोस्टली पहले चाइना से ही इम्पोर्ट किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी मैनुफैक्चरिंग इंडिया के भीतर अब बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा स्टील भी अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया के लिए। आज के समय में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सेकेंड रैंक आता है इन स्टील प्रोडक्शन, लेकिन फर्स्ट रैंक में तो चाइना है। और अगर चाइना से हम कंपेयर करें इंडिया की कैपेसिटी का, तो ये तो आसपास भी नहीं बैठती है, जमीन आसमान से भी ज्यादा का अंतर है। जहां इंडिया केवल 99.6 मिलियन टन ही प्रोड्यूस करता है, तो वहीं पर चाइना 1053 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। और तीसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक में आता है, जहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन है 6.9% का ही, और वहीं पर चाइना का कंट्रीब्यूशन है 52.2% का। तो इन्हीं सब चीजों को बूस्ट देने के लिए अब यहाँ पर सरकार पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर इंसेंटिव लेड मॉडल के तहत काम किया जाएगा और साथ ही में वर्ल्ड की एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिया के भीतर लाने की भी कोशिश की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्केल, स्पीड और क्वालिटी का यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। और रिसेंटली वेबिनार के दौरान ऑफिशियल ने यह भी कहा कि हम फिलहाल स्ट्रिक्ट टाइमलाइन से गुजर रहे हैं, लेकिन जल्द ही सरकार यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट, स्टील, टेक्सटाइल के लिए पीएलआई स्कीम नोटिफाई करेगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इंडिया का एक काफी इंपॉर्टेंट लीडिंग पोजीशन होगा। वैसे पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर तो 13 सेक्टर्स के लिए टोटल 2,00,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और आने वाले समय में जल्द ही और भी कई सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके इनके लिए भी कुछ बेहतरीन पीएलआई स्कीम्स अनाउंस की जा सकती है। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में जरूर से कमेंट कीजिएगा।